बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुल यू आर फाइन। इट्स द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सोशल स्टडीज क्लास 3 एंड द डे इज़ वेनसडे एंड द डेट इज़ 9/12/2020। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर यूनिट यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 10। द टॉपिक इज़ कैलेंडर्स। आज हम अपने इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और आपने उसे अच्छे तरीके से लर्न किया था और लर्न करने के बाद रिटर्न प्रैक्टिस की थी, इसी तरह आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 3 की भी आप इसी तरह जो है वो रिटर्न फॉर्म में प्रैक्टिस करोगे रफ शीट या रफ पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमारा जो है वो इस्लामिक कैलेंडर के रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप बुक के ऊपर जो हमारा पेज नंबर 57 है उसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, जो कि इस्लामिक कैलेंडर से रिलेटेड है जो आज हम क्वेश्चन करेंगे। द रीडिंग इज़ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो यूज्ड इन अदर मुस्लिम कंट्रीज बिसाइड्स पाकिस्तान। इट डेट्स फ्राम 622 CE। दिस वॉज द ईयर इन विच द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिज जर्नी फ्राम मक्का टू मदीना। द जर्नी इज़ कॉल्ड द हिजरा। द इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो नोन एज द हिजरी कैलेंडर। हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है वो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी यूज़ होता है और जो इसका ईयर है वो है 622 ईयर, जब हमारा ये इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ था और ये वो ईयर था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी। इसलिए इसे जो है ये जो ट्रैवल था इसे हिजरा भी कहा जाता है और ये जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है इसे जो है वो हम हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। नीचे ये हमारे पास जो है वो हिजरी जो हमारा इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर है इसके जो है वो मंथ बताए गए हैं। इसका स्टार्टिंग मंथ क्या है? मुहर्रम। और इसका जो लास्ट मंथ है वो है ज़िलहज। ये हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर के जो मंथ है वो दिए गए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इवेंट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर्स। क्वेश्चन में यहाँ पर कैलेंडर्स हैं तो यहाँ पर कैलेंडर आएगा, आप यहाँ पर जो एस है उसे कट कर देंगे, ठीक है। विच इवेंट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। द आंसर इज़ द जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राम मक्का टू मदीना। जर्नी हम ट्रैवल को भी कहते हैं, माइग्रेट को भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमने अपने इस्लामिक कैलेंडर का जो स्टार्टिंग इवेंट था उसके बारे में बताना था, तो वो ये था कि इस ईयर के स्टार्ट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी। इसी तरह हमारा जो सेकंड कैलेंडर है जिसे हम जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर जो है हम उसे क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहते हैं, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? वो तब स्टार्ट हुआ था जब हमारे जो है वो हज़रत ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए थे। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद रफ शीट के ऊपर इसकी अच्छे तरीके से रिटर्न फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे नीट एंड ब्यूटीफुल राइटिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।